गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो बच्चों आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी के जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग सभी एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, एमए के भी कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एमए प्रीवियस के कुछ पेपर बचे हुए हैं और बाकी अभी सिर्फ सेकंड ईयर के पेपर है, बाकी पेपर्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो सवाल हैं वो सिर्फ इस बात को लेकर के हैं कि सर हमारे जो हैं रिजल्ट कब तक आएंगे। बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर के रिजल्ट्स को लेकर के काफ़ी बेचैनी है, ख़ास तौर पे जो एमए के स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर वाले, उनको भी अपने रिजल्ट की काफ़ी चिंता है। रीज़न आप लोगों का यह है कि कुछ बच्चों ने पीटीईटी दिया है, कुछ लोग यूजीसी नेट दे रहे हैं, कुछ लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर दिया है, तो आप लोगों ने अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आप लोगों ने भाग लिया है, सब इंस्पेक्टर दिया है फाइनल ईयर वाले बच्चों ने, तो आप लोगों को अपने परिणाम की चिंता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोटा विश्वविद्यालय सहित राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं बहुत जल्दी जो है फाइनल ईयर के परिणाम को जारी करने की श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आगामी कुछ दिनों में ये जो रिजल्ट हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आप लोगों को ये सवाल करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको आपके फ्यूचर की चिंता रहती है और वो सब आपके लिए ही है, तो आप लोग ये ध्यान रखें कि यूनिवर्सिटीज जो हैं आपके करियर को ध्यान में रखते हुए अपने आपके जो परिणाम हैं उनको बनाने का प्रयास जल्दी से जल्दी करती है। मेरा ये मानना है कि कोटा विश्वविद्यालय जो है संभवतया 15 तारीख तक, आने वाले 15 तक जो है आपके बीकॉम के परिणाम को घोषित कर सकती है। इसके बाद 17-18 तक जो है बीएससी का, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि अभी संस्कृत का पेपर अभी हुआ है हाल ही में, 1 तारीख को हिस्ट्री का पेपर हुआ है और दोनों ही विषय में जो है छात्रों की संख्या काफ़ी अच्छी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोटा यूनिवर्सिटी जो है बीए का परिणाम घोषित करने में थोड़ा सा टाइम लगा सकती है। तो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को तो अभी धैर्य रखना चाहिए और कम से कम जो है आप लोग 25 तारीख तक का वेट करें, 25 अक्टूबर तक, और हो सकता है इससे भी और एक आध दिन ज़्यादा। तो कोटा यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों को सलाह दी जाती है कि आप लोग धैर्य बना करके रखें, कोटा विश्वविद्यालय जो है इस महीने में आप लोगों के परिणाम जारी संभवतः कर देगा फाइनल ईयर के, और ये सिर्फ अनुमान है। आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट को विजिट करते रहें और ये अनुमान मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बार बार में आप लोग जब मैसेज करते हो तो आप तक एक ऐसा एक आइडिया होना चाहिए कि उस आइडिया के माध्यम से आपको ये पता लगे कि भाई अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी परिणाम आने में वक्त है, तो आप लोगों की जो उलझने हैं वो थोड़ी सी कम हो, आप अपनी जो पढ़ाई है आगे की उसे कंटिन्यूस कर सकें। तो इसलिए ये वीडियो बनाया है मैंने, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक प्रकार से ये संदेश मिल गया होगा कि अभी आपके परिणाम जो है कब तक जारी हो सकते हैं। मेरे सामने बीएससी और बीकॉम के परिणाम जो है 15 से और 20 के बीच में और 25 से और 30 के बीच में बीए थर्ड ईयर का परिणाम जो है आने की संभावना मैं अपनी तरफ से व्यक्त करता हूं। और कोटा यूनिवर्सिटी की जो साइट है उसको आप लोग रेगुलर विजिट करते रहें, हालांकि परिणाम जब घोषित होगा तो आप लोगों के साथ शेयर मैं भी करूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग रेगुलर बेसिस पर नियमित तौर पर कोटा विश्वविद्यालय की जो साइट है उसे विजिट करते रहें जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ में एक और न्यूज़ है जिसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि संभवतः आप लोगों के प्रैक्टिकल हो गए होंगे, यदि किसी के प्रैक्टिकल छूटे हैं किन्हीं कारणों से तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं आपके महाविद्यालय में तो एक बार पता ज़रूर कर लें, और यदि हो गए हैं तो फिर आप लोगों का प्रैक्टिकल फिलहाल छूट गया है, हो सकता है सप्लीमेंट्री के साथ वो प्रैक्टिकल हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर थी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट वीडियो के रूप में ही बनाने का मेरा पहले उद्देश्य था और शॉर्ट वीडियो ही मैं बनाऊंगा, बस आप लोगों के साथ ये छोटी सी खबर थी जिसे शेयर करना था। संभवतः आप लोगों के लिए ये जो न्यूज़ है वो
काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। और आप लोग अपनी पीटीईटी की और जो दूसरी काउंसलिंग्स हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर का पेपर है, उन सबको मैं आप लोग अपियर हो पाओगे और उसमें अपनी हिस्सेदारी निभा पाओगे। थैंक यू सो मच बच्चों, और मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग जो हैं वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पुनः आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।